हॉस्टल वाली लड़कियों के गंदे राज आज आपको पूरी तरह से पता चलेंगे कि आखिर ये हॉस्टल वाली लड़कियां अकेले में कितनी गंदी हरकतें करती है यार। एकदम देख लो, आप भी बोलोगे छी ऐसी हरकतें करती है। जब सबके साथ रहेगी, ग्रुपिंग में रहेगी तो है बहुत भोली भाली होती है, पर असर नहीं, अंदर में बहुत शैतानी भरी होती है, बहुत कुछ करती है। नंबर वन, चुगली करना। चुगली भी करती है और ऐसे नहीं अपने सहेलियों की चुगली, नहीं आपकी चुगली, यानी कि उसकी बॉयफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड, ये वो एक्स, सबके बारे में बात करेगी, अपने एक्स के बारे में और अपने प्रेजेंट बीएफ के बारे में, अपने बॉयफ्रेंड, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लड़कियां अकेले में करती है, चुगलियां करती है, अच्छी बुरी हर चीज़ के बारे में बात करती है। और एक बात बताओ, वो बहुत ही ना डीप सीक्रेट्स वो शेयर करती हैं, तो अगर आपने भी अपनी गर्लफ्रेंड को अपना डीप सीक्रेट बताया है ना, तो जरा बच के रहना, अब वो राज राज नहीं रहा। नेक्स्ट है रोमांटिक मूवीज, रोमांटिक गाने, वो एडल्ट मूवीज़ भी देखना। कौन बोला कि उन्होंने एडल्ट मूवीज़ नहीं देखी होती है, ये लड़कियाँ ऐसा नहीं है, जैसे दिखती वैसे तो होती भी नहीं है, सिंपल दिखती है पर है तो वैसे बिल्कुल ही उल्टा उसका। और जानते हो इतनी गंदे गंदे, मतलब अलग अलग तरीके के रोमांटिक हो गए, सीक्रेट सीन्स हो गए, वो सारी चीज़ें लड़कियाँ देखती है, ऐसा नहीं है कि वो ऐसी चीज़ें नहीं देखा करती, स्पेशली हॉस्टल वाली लड़कियाँ। अकेले में वो मूवीज़ के साथ साथ अपनी लाइफ पार्टनर की भी प्लानिंग करती है और बहुत सारी चीज़ें वो सोचती है कि लाइफ पार्टनर के साथ कहाँ हनीमून पे जाएगी, क्या करेगी, कैसे अपनी लाइफ को बताएगी, किसे मिलना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें अकेले में सोचती भी है, मस्ती करती है और बहुत अजीब तरह की मस्ती करती है। मस्ती भी करने के साथ साथ ही वो जो है वो सारी चीज़ें करती है, सोचती है अकेले में, खूब हॉट हॉट ड्रेस पहनती है, कहने का मतलब है कि वो बहुत तरीके के ड्रेसेस पहनती है जो वो बाहर पहनी नहीं जा सकती, वो रूम में जाया करती है, पहनती है, मस्ती करती है और गॉसिप करना तो छोड़ती नहीं, चाहे कोई भी लड़की हो, गॉसिप करेगी ही करेगी। चुप चुप के मिलती है, चुप चुप के मिलने भी जाती है और मिलने के बाद फिर वापस भी आ जाती है, तो इसे पता नहीं चलता, लेकिन हाँ ये सारी चीज़ें वो करती है। तो दोस्तों आपको सीक्रेट्स कैसे लगी ज़रूर कहना, और थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छी लगी शेयर करना ना भूलना।